हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज है 12 अक्टूबर 2018 और आज की जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं हमने आपके लिए कंपाइल की हैं। साथ में आज की पीडीएफ डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पीडीएफ हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। शुरू करते हैं वीडियो। कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। पहला प्रश्न हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहां महालेखाकारों के सम्मेलन का उद्घाटन किया, तो ये उद्घाटन किया गया नई दिल्ली के अंदर। दूसरा प्रश्न था कि व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय परिषद यानी एनसीबीटी के जो गठन है उसको मंजूरी किसके द्वारा दी गई है, तो मंत्रिमंडल ने जो है इसकी मंजूरी दे दी है। तीसरा प्रश्न था कि INS राणा कहां आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा यानी कि IFR में भाग लेगा, तो ये दक्षिण कोरिया के अंदर भाग लेगा। चौथा प्रश्न था कि किसने ऑनलाइन आश्वासन निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया है, तो शुभारंभ किया गया है विजय गोयल के द्वारा। पांचवा प्रश्न था कि पाकिस्तान में ISI के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो ये नियुक्त किए गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर। छठवां प्रश्न है कि BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने कहां देश का पहला जैव ईंधन संयंत्र स्थापित करेगा, तो स्थापित किया जाएगा ओडिशा के अंदर। सातवां प्रश्न था कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है, तो जापान का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है, भारत का इसमें स्थान 81वां है। आठवां प्रश्न था कि IMF ने वर्ष 2019 में भारत की वृद्धि दर का अनुमान क्या लगाया है, तो यह अनुमान लगाया 7.4%। नवा प्रश्न है कि विश्व असमानता सूचकांक में भारत का क्या स्थान है, तो 157 देशों में भारत का स्थान 147 है। दसवां प्रश्न के किस ओलंपिक के लिए शरणार्थी टीम की घोषणा की गई है, तो ओलंपिक 2020 के अंदर जो कि टोक्यो के अंदर होगा उसके लिए शरणार्थी टीम की घोषणा की गई है। तो ये थे आज के हमारे कल के हमारे करंट अफेयर के प्रश्न। अब बात करेंगे आज के करंट अफेयर के प्रश्नों की। बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में शेयर करना ना भूलिएगा। पहला प्रश्न है कि भारत के सॉलिसिटर जनरल किन्हें नियुक्त किया गया, तो भारत के सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए गए हैं, इनका नाम है तुषार मेहता। ए ऑप्शन पूरी तरीके से सही है। डिटेल देखते हैं इनकी क्या है। देखिए, केंद्र सरकार ने 10 अक्टूबर को देश के सॉलिसिटर जनरल के पद पर वरिष्ठ जो वकील है तुषार मेहता साहब, उनको नियुक्त किया गया है। इससे पहले कौन थे, तो रंजीत कुमार थे, उनने इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद ये पद खाली पड़ा था और मेहता इससे पहले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पद पर नियुक्त थे। इनकी नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से 30 जून 2020 तक बनी रहेगी। अब बात करते हैं सॉलिसिटर जनरल की। सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं वो अटॉर्नी जनरल के बाद देश के दूसरे सबसे बड़े विधि अधिकारी होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। बात करेंगे हम दूसरे प्रश्न की। भारत का पहला राष्ट्रीय पर्यावरण सर्वेक्षण कब शुरू होगा, तो भारत में पहली बार होगा राष्ट्रीय पर्यावरण सर्वेक्षण और इसकी शुरुआत की जाएगी 2019 से। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डिटेल देखिए इसकी क्या है। तो 24 राज्यों में तीन और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में 55 जिलों के पर्यावरण आंकड़ों को मैप करने के लिए 2019 में भारत का पहला राष्ट्रीय पर्यावरण सर्वेक्षण की शुरुआत की जाएगी। NES यानी कि राष्ट्रीय पर्यावरण सर्वेक्षण, ठीक है, ये सभी जिलों में उनके पर्यावरणीय प्रदर्शन के आधार पर उन्हें रैंक देगा जो जिले हैं उनको, और पहला जो पर्यावरण सूचकांक है वो पर्यावरण सूचना प्रणाली देश भर के अपने केंद्रों और भागीदारों के माध्यम से पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा इसको किया जाएगा। इसके लिए पैरामीटर होंगे, क्या क्या पैरामीटर हैं, हवा, पानी, मिट्टी की गुणवत्ता, इसके आधार पर जिलों को रैंकिंग इसके तहत दी जाएगी। बात करते हैं तीसरे प्रश्न की कि देश का पहला पॉलिटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो देश में पहली बार पॉलिटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा गाजियाबाद के अंदर। क्या ऑप्शन सही है इसका, सी, तो उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने ये फैसला लिया है। डिटेल देखिए इसकी क्या है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ साहब, उनकी अध्यक्षता में 10 अक्टूबर को बैठक हुई मंत्रिपरिषद की और उसमें राज्य में पॉलिटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलने का फैसला किया गया। कहाँ खोला जाएगा, तो गाजियाबाद में ये स्टार्ट किया जाएगा और देश का पहला पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट होगा और ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट नगर विकास विभाग के अधीन होगा। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी आपको यहाँ पता होना चाहिए, लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक है, तो ये डिटेल आपको उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी पता होनी चाहिए। बात करते हैं अगले प्रश्न की। चौथा प्रश्न है कि केंद्र ने किस नदी के लिए न्यूनतम नदी प्रणाली नदी प्रवाह तैयार किया है, ठीक है, तो ये तैयार किया गया है गंगा नदी के लिए। डी ऑप्शन इसका सही है, गंगा नदी की। डिटेल देखिए इसकी क्या है। तो केंद्र ने गंगा नदी का न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह यानी कि ई फ्लो निर्धारित किया है
और इसका मतलब है कि अब हर मौसम में गंगा नदी में पर्याप्त जल उपलब्ध होगा। क्या है इसके बारे में जानकारी हम बात बताएं कि देश की पहली नदी है जिसके लिए ई फ्लो निर्धारित किया गया है, और इसके बाद यमुना सहित गंगा की जो अन्य सहायक नदियां हैं उनके लिए भी इसको तय किया जाएगा। ई फ्लो तय करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि देखिए, भीमगोड़ा, बिजनौर, नरोरा, कानपुर, बिराज, ये जगह है जहां पर बिराज बने हुए, इनसे बड़ी मात्रा में गंगा जल का जो है यूज सिंचाई और पेयजल परियोजनाओं के लिए निकाल लिया जाता है। इससे चलते नीचे जाने पर क्या हो जाता है, पानी की उपलब्धता कम हो जाती है, तो उसी चीजों के लिए इसका यूज किया गया। अब ये ई फ्लो तैयार किया जाएगा। अब हम गंगा की बात करते हैं। गंगा उद्गम होता है गंगोत्री हिमनद से, जो कि उत्तराखंड के अंदर उत्तरकाशी जिले में है। बंगाल की खाड़ी में इसका मिलन होता है। 2525 किलोमीटर लंबी नदी है और भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। इसके किनारे जो शहर बसे हुए हैं वो है हरिद्वार, मुरादाबाद, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी और पटना। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। पांचवा प्रश्न है कि एससीओ, ठीक है, एससीओ संघाई सहयोग संगठन, इसकी 17वीं सीएचजी बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, जिसमें भाग लेने के लिए हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज गई हुई हैं। तो इसका आयोजन किया जा रहा है दुशांबे। दुशांबे कहां पर है? ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे। डिटेल देखिए इसकी क्या है। तो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने 11 अक्टूबर को ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में शुरू हुए संघाई सहयोग संगठन एससीओ की सरकारी बैठक में 17वीं परिषद में भाग लिया। बैठक में जो मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दे पर उन पर गहराई से विचार विमर्श करने के अलावा संघाई सहयोग संगठन के विकास की संभावना पर चर्चा की जाएगी। जून 2017 में जो भारत जो था एससीओ का पूर्ण सदस्य बना था, और बाद में ये दूसरी बैठक है इसमें भाग लेगा। इससे पहले सोची में एक बैठक हुई थी जो कि रूस के शहर में, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे। अब हम बात करते हैं संघाई सहयोग संगठन की। संघाई सहयोग संगठन, इसकी स्थापना 26 अप्रैल 1996 को हुई थी। मुख्यालय इसका बीजिंग में है और इसके सचिव हैं रशीद अलीमोव। सदस्य देश इसके जो हैं चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान इसके सदस्य देश हैं। अब साथ में भारत और पाकिस्तान भी इसके सदस्य देश बन गए हैं। भारत और पाकिस्तान, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अभी कहाँ बैठक हो रही है, तो ये भी याद तो रखना, ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में। बात करते हैं हम छठवें प्रश्न की कि किस देश के प्रधानमंत्री 30 अक्टूबर को भारत का दौरा करेंगे। तो भारत का दौरा करने के लिए आ रहे हैं इटली के प्रधानमंत्री, ठीक है। इटली के प्रधानमंत्री, याद रखिएगा, बी ऑप्शन सही है। डिटेल देखिए इनकी क्या है। तो इटली के प्रधानमंत्री जीएसेपे कॉन्टे जो है वो 30 अक्टूबर को भारत के दौरे पर आ रहे हैं। जुलाई में इटली में गठबंधन सरकार का मुखिया बनने के बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा होगी, ठीक है। तो पहली बार भारत यात्रा पर आना। इस दौरान वे देश में 29 से 30 अक्टूबर 2018 तक 24वें टेक्नोलॉजी समिट का उद्घाटन इनके द्वारा किया जाएगा और भारत के अंदर किया जाना है। और ये जो है इटली भी इसका एक पार्टनर देश है और उसी के लिए यहां पर आ रहे हैं। बात करेंगे हम इटली की। इटली की राजधानी रोम है। यहाँ के प्रधानमंत्री गुएसेप कोंटे हैं और मुद्रा है यूरो। 1 यूरो में 85 इंडियन रुपीस होते हैं। और मैप में आप इटली को देख पा रहे होंगे, उसके आसपास के जो देश हैं उनको भी आप जरूर ध्यान से देखिएगा। बात करते हैं सातवें प्रश्न की कि किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया की पहली बायो इलेक्ट्रॉनिक दवा विकसित की है। तो पहली दवा विकसित की गई है और ये विकसित की गई है संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिकों के द्वारा, यानी सी ऑप्शन इसका सही है। डिटेल देखिए इसकी क्या है। तो अमेरिका के वैज्ञानिकों ने देश विश्व की पहली बायो इलेक्ट्रॉनिक दवा विकसित की है जिसको इम्प्लांट किया जा सकता है, ठीक है। अभी इसका यूज स्नायुओं पर नहीं हुआ है, केवल चूहों पर इसका यूज किया गया है और सफलतापूर्वक किया गया है। ये दवा क्या करेगी, भविष्य में तंत्रिका कोशिकाएं, जो नर्वस सिस्टम होता है हमारा, उनके उपचार हेतु बहुत लाभदायक साबित होने वाली है और एक तरह का वायरलेस ये डिवाइस है। एक्चुअली में दवा क्या है, एक वायरलेस डिवाइस है। शरीर के भीतर इसको जो है ट्रांसप्लांट किया जा सकेगा, ट्रांसमिट किया जा सकेगा और शरीर के बाहर से इसको जो है नियंत्रित किया जा सकेगा। बात करते हैं आठवें प्रश्न की कि इसरो द्वारा उत्तर भारत में अंतरिक्ष विज्ञान में केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो उत्तर भारत में केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है और यह स्थापित किया गया जम्मू में। सी ऑप्शन इसका सही है, जम्मू में इसको स्थापित किया जाएगा। डिटेल देखिए इसकी क्या है कि जम्मू में अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र खोलने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो ने जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय के साथ एक सहमति पत्र यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं।
सतीश धवन अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र इसका नाम होगा और ये संस्थान लगभग 1150 वर्ग मीटर में फैला होगा। इसके माध्यम से वनस्पति क्षेत्र, वन क्षेत्र, बर्फबारी, भूस्खलन और बादल की निगरानी जैसे सुदूर संवेदी के माध्यम से इसकी जो है निगरानी की जा सकेगी। बात करते हैं अब हम यहाँ पर इसरो की। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969, मुख्यालय बेंगलुरु के अंदर है, अध्यक्ष हैं डॉक्टर के सिवान जिन्हें रॉकेट मैन के नाम से भी जाना जाता है। बात करेंगे नवे प्रश्न की कि किसने भारत में डाटा संग्रहण प्रणाली स्थापित की है, कि ये सोशल मीडिया साइट है और ये जो है व्हाट्सएप है। ए ऑप्शन इसका सही है क्योंकि यूपीआई यानी पेमेंट गेटवे की व्यवस्था ये चाहता था, इसलिए इसके लिए जो डाटा संग्रहण प्रणाली डाटा सेंटर भारत में स्थापित किया है। डिटेल देखिए इसकी क्या है। तो लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप है व्हाट्सएप और इसने देश के भीतर ही भुगतान संबंधी डाटा रखने की प्रणाली विकसित की है। डाटा रखने का प्रणाली क्या मतलब है कि देखिए जो भी आप व्हाट्सएप पे सेंड करते हैं वो एक जगह स्टोर होता है, एक बड़ी ये समझ लीजिए कि डाटा सेंटर है, वहां स्टोर होता है, अभी वो देश के बाहर है। तो जो पेमेंट वाला ऑप्शन है वो काफी संवेदनशील होता है, इसलिए आरबीआई ने कहा था, आरबीआई के दिशा निर्देश थे कि अगर वो डाटा सेंटर भारत के अंदर बनाए तो उनको जो है भुगतान सेवा के लिए उपलब्ध करवाई जाएगी व्यवस्था। तो इसके लिए जो है 6 अप्रैल 2018 को उन्होंने परिपत्र जारी किया था और उन्होंने कहा था कि उनको जो सभी डाटा है उसका संग्रहण भारत में करना होगा, भारत से बाहर उस डाटा का संग्रहण नहीं किया जाएगा और इसके लिए 15 अक्टूबर तक की इसको जो है समय सीमा भी दी गई थी व्हाट्सएप को। तो फाइनली उन्होंने जो स्थापित कर लिया है इसको। बात करते हैं 10वें प्रश्न की, विश्व चैंपियनशिप में सीडिंग पाने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन है। तो ये भारतीय पहलवान है, इनका नाम है बजरंग पूनिया। बी ऑप्शन सही है, बजरंग पूनिया। डिटेल देखिए इनकी क्या है। तो भारत के पहलवान है बजरंग पूनिया, भारत के ऐसे पहले भारतीय हैं जिन्होंने 20 से 28 अक्टूबर तक हंगरी के बुडापेस्ट में, कहां पर, हंगरी, ठीक है, राजधानी बुडापेस्ट, वहां पर आयोजित होने वाली विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के लिए टॉप सीडेड खिलाड़ी के रूप में इनको शामिल किया गया। इन्हें तीसरी सीड दी गई है और कुश्ती की विश्व संस्था यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने जो रैंकिंग लिस्ट जारी की है उसमें बजरंग के कितने 45 अंक हैं। हंगरी की बात करते हैं, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, यहाँ के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान है और मुद्रा है फोरियंट डॉलर। आप मैप में हंगरी को देख रहे होंगे, हंगरी यूरोपियन कंट्री है, इसके आसपास के देशों को आप जरूर देखें, बहुत ध्यान से देखें। करंट अफेयर के प्रश्नों में है कि इंडस टावर्स ये कंपनी है, दुनिया की दूसरी बड़ी दूरसंचार टावर कंपनी है चाइना के बाहर, ठीक है, चाइना में इससे बड़ी बड़ी भी है। उसने 2018 के लिए डेमिंग पुरस्कार जीता है और सेवा क्षेत्र में पहली भारतीय कंपनी है जिसको ये पुरस्कार मिला है, दुनिया की 5वीं कंपनी है जिसको ये पुरस्कार दिया गया है। दूसरी है कि सरकार ने सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, इनका नाम है प्रवीण श्रीवास्तव, इनको भारतीय सांख्यिकी के मुख्य सांख्यिकी विद CSI के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है कि नौसेना युद्ध कॉलेज के माध्यम से भारतीय नौसेना जो है गोवा में 16 अक्टूबर 2018 को गोवा समुद्री संगोष्ठी इसकी मेजबानी कर रहा है। HSBC यानी एक संस्थान है HSBC, उसकी एक सालाना एक्सपेक्ट एक्सप्लोरर रिपोर्ट है, उसके अनुसार रहने और काम करने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा देश सिंगापुर है और ये पिछले 4 साल से इस सूची में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर बना हुआ है। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर के प्रश्न, आई होप कि जो बदलाव किए गए हैं आपको ये पसंद आए होंगे। आज की बात करेंगे यहीं समाप्त, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।